ये धम्म पद की 30वीं गाथा है। एक बार तथागत भगवान बुद्ध वैशाली में रहते थे। वैशाली के कुटागार शाला में वो रहते थे। तब उन्होंने ये शक्र को उद्देश्य करके ये धम्म देशना दी थी, ये गाथा कही थी। अपमादे न मघवा देवानं सेठ तंगतो अपमादं पसंसंति पमादो गरहितो सदा। प्रमाद के ऊपर यह है कि जो प्रमाद को छोड़ देते हैं, अप्रमादी रहते हैं, बड़े एक्टिव रहते हैं, उनका कैसा लाभ होता है, उसी पर ही ये गाथा है। भगवान बुद्ध वैशाली के कुटागार शाला में रहते थे। तब महाली नाम का लिच्छवी वो वहां पर जाया करता था लोगों के साथ। तो उन्होंने सुना कि बुद्ध हमेशा शक्र देवता की बात करते हैं, शक्र देवता, इंद्र देवता ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, बहुत बार बुद्ध उसकी बात करते हैं। तब ये महाली के मन में एक प्रश्न उठा कि क्या बुद्ध शक्र को जानते हैं क्या, क्या बुद्ध ने उनको देखा है क्या, बार बार बुद्ध उस देवेंद्र की बात करते हैं। तो ऐसा प्रश्न उसके मन में उठा। ये प्रश्न उसके मन में उठने के बाद ये महाली नाम का जो लिच्छवी है वो गया बुद्ध से मिलने, और बुद्ध से मिलकर बुद्ध को वंदन करके, बुद्ध को प्रणाम करके पूछने लगा, भगवान आप बार बार देवेंद्र की बात करते हैं, शक्र देवता की बात करते हैं, क्या आपने उन्हें देखा है, क्या आप उन्हें जानते हैं क्या? तब बुद्ध ने कहा, हाँ महाली, मैं देवेंद्र शक्र को जानता हूं, मैंने उन्हें देखा है, मैं उनके गुणों को जानता हूं। इस प्रकार का भगवान बुद्ध ने कहने के बाद फिर बुद्ध कहने लगे कि कैसे मैं उन्हें जानता हूं। बुद्ध कहते हैं, दो चार बातें उन्होंने बताई कि ये पूर्व काल में ये मनुष्य था, मनुष्य जन्म में उसका नाम मघवा कहलाता था, उसका नाम मघवा था। वो देवेंद्र शक्र ने पूर्व काल में मनुष्य शरीर में रहकर पूर्ण दान दिया, पूर्ण दान किया था, अतः उसे पुरिंदद भी कहलाते थे। फिर दूसरा, देवेंद्र शक्र ने मनुष्य होते हुए लोगों को रहने के लिए मकान बनवाए थे, घर बनवाए थे, और वो आवास उन्होंने दिए थे, इसीलिए उसे वासव कहलाते थे, वासव कहते थे। फिर बुद्ध कहते हैं कि देवेंद्र शक्र अतीत काल में हजार बातों को एक साथ कह सकता था, एक साथ सुन सकता था, इसीलिए उसे सहस्राक्ष भी कहते थे, वह सहस्राक्ष भी कहलाता था। फिर बुद्ध कहते हैं, देवेंद्र शक्र की सुजा नाम की असुर कन्या उसकी पत्नी थी, इसीलिए उसे सुजापति भी कहते थे। अब बुद्ध की पहचान बता रहे। फिर बुद्ध कहते हैं कि देवेंद्र शक्र को 53 देवता लोक में बहुत महान ऐश्वर्य प्राप्त हुआ, इसलिए उसे देवेंद्र भी
कहते हैं। और उसके बाद बुद्ध ने और बताया कि देवेंद्र शक्र ने मनुष्य जन्म में 7 व्रतों का अच्छी तरह से पालन किया था। इसी 7 व्रतों का पालन करने के कारण वो उच्चतम देवता लोक में मनुष्य रूप से चला गया, ऐसा बुद्ध ने बताया। और बुद्ध बताते हैं कि वो कौन से 7 व्रत का पालन उसने किया था मालूम है आपको? महालिक को कहने लगे, मालूम है आपको कौन से 7 व्रत थे? वो 7 बातों का 7 व्रत जिसका उन्होंने पालन किया था मनुष्य जीवन में मनुष्य रहते हुए, तो उसमें पहला था, पहला व्रत कि मैं जीवन पर्यंत माता पिता का पालन पोषण करूंगा, उनकी सेवा करूंगा, ये पहला व्रत। दूसरा, मैं जीवन पर्यंत अपने कुल के बूढ़े बड़े बूढ़ों का यानी वृद्धों का बड़े बूढ़ों का आदर सत्कार करूंगा, ऐसा ये उसका दूसरा व्रत था। फिर तीसरा, मैं जीवन पर्यंत सबके प्रति सभी के प्रति मधुर भाषी रहूंगा, मधुर भाषी रहूंगा, ये उसका व्रत तीसरा। फिर चौथा व्रत, मैं जीवन पर्यंत किसी की चुगली नहीं करूंगा, ये भी व्रत का उसने पालन किया। फिर पांचवा व्रत, मैं जीवन पर्यंत द्वेष एवं अभिमान रहित चित्त से रहूंगा, मैं अभिमान या द्वेष को मेरे चित्त में नहीं आने दूंगा। यदि मेरे चित्त में द्वेष जागता है, क्रोध जागता है, अभिमान जागता है, तो तुरंत मैं उसे नष्ट करूंगा, उसे नहीं पनपने दूंगा। तो ये पांचवा व्रत। और छठा व्रत उनका, मैं जीवन पर्यंत सत्य भाषण करूंगा यानी सच ही बोलूंगा, ऐसा आजीवन सत्य बोलूंगा, ये उनका छठा व्रत था। और सातवां व्रत, मैं जीवन पर्यंत अक्रोधी रहूंगा, यदि क्रोध उत्पन्न होता है तो उसका मैं समन करूंगा लेकिन क्रोध नहीं प्रकट करूंगा। इस प्रकार के 7 व्रतों का उन्होंने मनुष्य जीवन में पालन किया था और यह पालन करने के कारण उसकी अच्छी गति हुई, वो अच्छे जन्म में पैदा हो गया, उसका उन्होंने पालन किया था। फिर बुद्ध कहते हैं कि उसके बाद और भी बुद्ध ने बताया कि मगध राष्ट्र में एक बार उसका जन्म हुआ और उसका नाम था मघ नामक, मघ मानवक करके उनका नाम था। वो मगध राष्ट्र के नजदीक एक मचल ग्राम नाम का एक गांव था, उस गांव में इसका जन्म हुआ मनुष्य जीवन में। और वो जन्म होने के बाद जब वो बड़ा बना और वो सोचने लगा कि मुझे कुछ लोगों के लिए अच्छा करना है, और वो जाकर कोई एक मकान बनाता है। अब बुद्ध कहते हैं उनके बारे में, जगह को साफ सुथरा करता है, अच्छा बनाता है और एक मकान बनाता है, वहां रहने लगता है। तो जैसे वहां रहने लगता है कोई शक्तिशाली पुरुष आकर उसको धक्का मारकर निकाल देता है घर के बाहर, वो निकल जाता है, कोई गुस्सा नहीं करता है। उसके बाद जाकर वो दूसरे जगह जाकर वैसी जगह सवारता है, साफ सुख करता है और वहां भी मकान बनाता है। और भी कोई पुरुष आकर उनसे बलशाली, वहां से उसको घर से धक्के मारकर निकाल देता है, वो भी निकल जाता है, फिर तीसरी जगह और अपना घर बनाता है। तो ऐसे उसने देखा कि मैं घर बनाता हूं, कोई पुरुष आता है मुझे निकाल देता है,
और वो घर में बड़े आनंद से रहता है, तो देखो उनको कितना आनंद रहने में मिलता है। किसी को यदि मैंने मकान बनाकर दे दिया, उसको यदि आनंद मिलता है तो कितनी अच्छी बात है। ऐसा सोचकर वो कहने लगा कि मैं और भी अधिक से अधिक घर बनाऊंगा, और ऐसा करके वो और घर बनाने लगा। उसने बहुत बड़ी जगह यापन कर ली और बहुत बड़ा वहां पर एक आवास बना दिया चौराहे पर, कि लोग वहां पर आए, बहुत से लोग आए, आराम करे, विश्राम करे, अपने लिए भी उसने बनाया। तो इस प्रकार वो अच्छे अच्छे काम करने लगा अपने जीवन में। उसके बाद बड़ा अच्छा रमणीय उसने स्थान बनाया। बाद में उसके मन में आया कि लोगों को तो जाने आने के लिए रास्ता, साफ सुथरा रास्ता बड़ा अच्छा लगता है, तो चलो वो बिना किसी को बताए स्वयं जाता था कुदाली लेकर और सामान लेकर, और वहां जाकर अच्छा रास्ते को संवारता था, रास्ता रास्ता अच्छा बनाता था। उसके बाद रास्ते में वो फूलों की झाड़ लगाने लगा, तो आने वाले लोगों को प्रसन्नता मिले, अच्छा लगे, अच्छा लगे, तो ये लोगों के अच्छाई के लिए, भलाई के लिए वो करने लगा। तब किसी एक व्यक्ति ने उसको आकर पूछा, भाई ये तुम क्या कर रहे हो, तुम रास्ता अच्छा बनाते हो, रास्ते में फूलों के पेड़ लगाते हो, और काहे के लिए करते हो ये। उसने कहा कि मैं मेरे लिए देवता लोग का रास्ता अच्छा बना रहा हूं, मैं अच्छा करूंगा तो मुझे और अच्छा जन्म मिलेगा, मैं स्वर्ग लोक में जाऊंगा। इस प्रकार का वो लोगों को कहने लगा, बताने लगा। तो उनकी बात सुनकर कुछ मित्र तरुण नौजवान वो भी उसके साथ जुड़ गए कि चलो हम भी आपके साथ चलेंगे, आप अच्छा काम करते हैं ना, तो हम भी करेंगे। ऐसा करते करते एक से दो, चार, पांच, ऐसे वो 33 लोग जुड़ गए, एक बड़ा ग्रुप बन गया। और एक बड़ा ग्रुप जाकर गांव गांव में रास्ते बनाता है, रास्ते साफ करता है, बड़े अच्छी प्रकार से वो सुंदर रास्ते को बनाते हैं, लोगों को सुख सुविधा मिले इसलिए वो काम करने लगे। तो वहां का जो प्रधान था, उस गांव का प्रमुख, उसने कहा कि ये लोगों का ग्रुप बनाकर ये अच्छे काम करता है, ये ऐसे काम न करे, ये यदि जंगल में जाता, मांस लाता, मछलियां लाता, ये लाता तो मुझे भी मिलता, अब ये ऐसा कुछ नहीं करता, और ये सारा ग्रुप बनाकर, ये समूह बनाकर, ये लोग जंगल में नहीं जाते लेकिन ग्रुप बनाकर गांव गांव को साफ सफाई कर रहे हैं। तो उसके मन में क्रोध आ गया, वो प्रधान के मन में, और क्रोध आने के बाद उसने उसकी शिकायत राजा से कर दी। राजा के पास जाकर बताया कि देखो महाराज, वहां पर जो एक समूह है ना, वो चोरों का समूह है, वो गांव गांव जाकर वो चोरी करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, तो आप उनका बंदोबस्त करो। तो राजा ने बात सुन ली वो प्रधान की, और बात सुनकर तुरंत राजा ने कहा कि जाओ उनको पकड़ के ले आओ। वो 33 लोगों को पकड़ के लाया उसने, राजा ने उसके आज्ञा पर, उनके कर्मचारियों ने, और पकड़ के लाने के बाद उसने कहा कि ये चोरी करते हैं ना, तो चलो इसे हम हाथी के द्वारा कुचल देंगे। ऐसा करके उन पर हाथी छोड़ा गया। तो ये 33 लोग, अब वो माघव कहने लगा उनको, अपने मित्रों को, देखो भाई अब एक ही रास्ता है बचने का, मंगल मैत्री भाव करो, हाथी के प्रति भी, राजा के प्रति भी, और प्रधान के प्रति भी, सभी के प्रति यही रास्ता है, नहीं तो हमें अब तुम्हारा नहीं होगा। तो उन्होंने मंगल मैत्री का अभ्यास किया, तो हाथी की हिम्मत नहीं उनको कुचलने की, हाथी जाता है लेकिन कुछ नहीं करता। तो राजा कहने लगा, अरे ये तो समूह देखकर हाथी घबराता होगा, इतने लोग देखकर, इसलिए हाथी मतलब शांत हो गया। तो दूसरी बार क्या किया, बोले राजा ने वो लोगों को सुलाया, उसके ऊपर चटनी डाल दी, और फिर कहा कि हाथी उसके ऊपर चले, कुचले उसको। तो ऐसा करने के बाद, ऐसा दंडक देने का जब सोचा, तब भी हाथी उनको नहीं कुचल पाया, तब भी बड़ा प्रसन्न हुआ, और प्रसन्न होकर पूछा कि भाई क्यों क्यों ऐसा हो रहा है, अभी आप तो चोर है, आपने तो चोरी की,
तो उन्होंने सब कहानी बता दी कि नहीं भाई हमने तो चोरी कही नहीं कि हम तो ऐसा ऐसा काम करते हैं। तब राजा ने प्रधान को दंडित किया, इन्हें पुरस्कार दिया और इनकी मदद करके उन्होंने बड़े चौराहे पर और बहुत बहुत बड़ा राजा ने महल बना दिया लोगों के आने जाने के लिए कि तुम चाहते हो ना लोगों को सुविधा मिले। तो राजा ने बहुत बड़ा एक जिसको पब्लिक का निवास कहते हैं ऐसा उन्होंने बना दिया, लोग सुख शांति से रहने लगे। और उसके बाद ऐसे पुण्य करते करते ये पुण्य के कारण कुशल कर्म के कारण ये जो मानवक था वो देवता लोक में जाकर देवेंद्र बन गया। तो महाली को बुद्ध कहने लगे कि महाली मैं उनको जानता हूं, मैंने उनको देखा है, वो देवता कैसे बना वो भी मुझे मालूम है। सारी कहानी बुद्ध ने बता दी और तब महाली बहुत प्रसन्न हुआ, लोग बड़े प्रसन्न हुए। तो बुद्ध ने इस गाथा में यही कहा है कि कुशल काम करते रहो, प्रमाद ना करो, कुशल काम का फल अच्छा मिलता ही है, यही उसका मेन उद्देश्य है। अपमादेन मगवा देवानं सेठतं गतो अपमादं पसंसंति पमादो गरहितो सदा। जो प्रमाद नहीं करने वाले होते हैं उसकी हमेशा प्रशंसा होती है। प्रमाद नहीं करने के कारण ही ये मगवा देवता लोग में श्रेष्ठ बन गया। इसलिए प्रमाद को टालना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए, एक्टिव बनो, उद्योगशील बनो। और हमेशा जो उद्योगशील होते हैं उनकी हमेशा स्तुति होती है, उनकी हमेशा प्रशंसा होती है। तो इसीलिए तथागत बुद्ध ने ये जो गाथा उस समय कही वैशाली में। तो प्रमाद नहीं करना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए और कुशल काम करने का प्रयास करना चाहिए, जीवन में हमेशा मंगल फल उसके मिलते ही है, यही तथागत बुद्ध ने बताया। आप सबका मंगल हो। धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरू।